मार्केट से लिया था वो 800 समथिंग अराउंड था, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। पैकेजिंग दिखा देती हूँ। गाइस आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज़िवामे हॉल लेकर के आई हूँ। ज़िवामे से मैंने कुछ अच्छा कलेक्शन पिक किया है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं। अभी सेल चल रही है ज़िवामे पर, 10 ईयर्स ऑफ ज़िवामे एनिवर्सरी इस टाइम पर वहाँ पर चल रही है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन अवेलेबल है, प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आपको अगर पसंद आए तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी वहाँ पर अवेलेबल है। एंड गाइस अगर आपके लिए ये वाला वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो, थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो गाइस नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो ये मुझे कुछ इस तरीके के पार्सल्स में रिसीव हुआ और ये मैंने बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑप्शन से लिया है। तो वहाँ पर इसे बाय टू गेट वन फ्री या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है, तो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बाय वन गेट वन फ्री लिया है। सो 1000 रुपीज़ के अराउंड मुझे दो नाइट सूट्स मिले थे। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था। सो इस तरीके से पैकेट है। बाकी ट्राई ऑन हॉल पार्ट आपको साइड में दिख जाएगा और जो पिक्चर इसका इन्होंने इंसर्ट किया था वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। एंड गाइस सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। गाइस ये कुछ इस तरीके से हमको नाइट सूट रिसीव हो जाता है। सो आप देखिए यहाँ पर। और गाइस इसका जो MRP है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये 1695 रुपीज़ इस पर मेंशन किया हुआ है। एंड गाइस मुझे ये जस्ट 520 या 521 रुपीज़ के आसपास की पड़ी है, तो आप ले सकते हैं। गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमको इस तरीके के नेक में मिल जाता है, कॉलर नेक है। कल ही जस्ट मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इसको देख करके, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये वैसा फैलने वाला कपड़ा नहीं है बिल्कुल भी, कि जैसे वो फैल जाता है ना, बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो पहनते हैं तो हम वहाँ पर ऐसे निशान से बन जाते हैं, मतलब वो वैसा ही शेप में आ जाता है, उस तरीके का फैब्रिक नहीं है ये। देख सकते हैं आप पेस्टल कलर में है। सो पूरा नाइट सूट आपको इसी तरीके का मिल जाएगा कॉलर नेक में, और यहाँ पर इन्होंने इस तरीके के बटन सिमिलर कलर में बटन इन्होंने लगाए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला प्रिंट, ट्राई ऑन हॉल पार्ट में आप देख सकते हैं, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है वियर करने पर। इसमें एक सामने से हमको पॉकेट मिल जाती है एक साइड। एंड गाइस ये जो मैंने साइज़ लिया है वो XL साइज़ लिया है और XL साइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही आया है। सो आप अगर मेरे जैसे हैं तो आप XL साइज़ ले सकते हैं, और वैसे भी नाइट सूट्स में तो थोड़ा कंफर्टेबल ही लेना सही रहता है। सो ये इसका टॉप था। एंड गाइस इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरीके का रिसीव होता है, सेम जैसा प्रिंट टॉप का था वैसा ही हमको रिसीव होता है। एंड गाइस इसमें इलास्टिक हमको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ऐसे स्ट्रेचेबल है। यहाँ पर इन्होंने रिबन टाइप में इन्होंने डोरी प्रोवाइड कराई है हमको इसको टाई अप करने के लिए। ये भी XL साइज़ में है, मतलब मैंने पूरा जो सेट है वो XL साइज़ में लिया है, तो इसका बॉटम भी XL में ही रिसीव हुआ है। एंड गाइस ये जो है स्ट्रेट हमको पजामा मिल जाता है इसका, सो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का है। कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, ऐसे कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा हो तो आप ले लेना, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोनों साइड हमको पॉकेट्स मिलती हैं, और गाइस बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही तरफ पॉकेट प्रोवाइड कराते हैं वो, बट इसमें आप जितने भी नाइट सूट्स लेंगे आपको दोनों ही तरफ पॉकेट्स मिल जाती है। सो ये इसमें अच्छी चीज़ है, और गाइस 500 रुपीज़ में टोटली वर्थ इट है, बिकॉज मैंने मार्केट से इसी तरीके का नाइट सूट, इससे भी मतलब बेकार क्वालिटी का था वो, उसका जो फैब्रिक था उसमें वो निशान बन जाते थे, निशान इन द सेंस कि जब हम बैठते हैं उठते हैं तो वो घुटने से नहीं बन जाते, वो जैसा वो फैब्रिक होता है तो वो उसी शेप में आ जाता है, ये ऐसा वाला फैब्रिक नहीं है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। एंड गाइस मैंने जो मार्केट से लिया था वो 800 समथिंग अराउंड था, और ये वाला मुझे जस्ट 500 के आसपास मिला है, तो आप ले सकते हैं इसको। देन मैं आपके साथ नेक्स्ट वाला शेयर कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा पेस्टल कलर है, तो आप देख सकते हैं ऐसी पैकेजिंग में आया था।
सो गाइस इसका जो टॉप पार्ट है ये कुछ ऐसा सा रिसीव होता है हमें, आप देख सकते हैं। सो काफ़ी फंकी प्रिंट्स इन्होंने बनाए होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं, और ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली, बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ले सकते हो ये, इसका फैब्रिक थोड़ा फर्स्ट वाले से अलग है, अच्छा फैब्रिक है इसका भी, और ये फुल स्लीव्स में हमको रिसीव हो जाता है। ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं कैसा लग रहा था, और नेक जो इसका है वो कॉलर नेक है, और इसमें जो बटन्स हमको मिलते हैं वो लाइट येलो कलर में, एंड एक हमको पॉकेट मिल जाता है जैसा फर्स्ट वाले में था, और बहुत अच्छा है। इसमें भी मैंने साइज़ एक्सल लिया, और स्ट्रेचेबल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है, बाकी अगर आप लूज़ लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है कई बार, और ये सही है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रिसीव होगा, आप देख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का है, जैसा अभी आपको ये दिख रहा है सेम ऐसा रिसीव होने वाला है आपको, और बहुत अच्छा इसमें इन्होंने मतलब ये पाइपिंग वाइपिंग काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। सो ये वाले नाइट सूट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़ में, टोटली वर्थ इट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ले लीजिएगा। देन इसका जो पजामा है वो कुछ इस तरीके का रिसीव हो जाता है। सो ये जो पजामा है आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से हमको इलास्टिकेटेड मिल जाता है, आप पास से देख लीजिए। सो गाइस ये जो कलर है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है लाइट में, बट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको रिसीव होता है, ये जस्ट सेम ऐसा ही है जैसा अभी आपको दिख रहा है। सो ये हमको इस तरीके से रिबन मिल जाती है यहाँ पर अटैच करने के लिए। देन इसका जो पजामा है वो भी स्ट्रेट है, सेम यही कलर है जो अभी आपको दिख रहा है, यही सेम कलर आपको रिसीव होने वाला है। देन हमको दोनों तरफ इसमें भी पॉकेट्स मिल जाती है, लेंथ वगैरह भी सही आएगी, 5x5 लेंथ वालों को ईजीली आ जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा हो रहा था, फोल्ड करके पहनना पड़ा था मुझे। सो अगर आपकी लेंथ 5x5 या 5x7 भी है तो भी आपको आ जाएगा, सो आप इसको ले सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस नेक्स्ट पैकेट ये है, सो इसमें मैंने लिए हैं कुछ ट्रैक पैंट्स, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जिम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर आप जिम जाते हैं तो ये वाले जो ट्रैक पैंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमको रिसीव हो जाता है, आप देख सकते हैं ये नेवी ब्लू कलर है, सेम जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसा ही कलर है इसका, और पास से आप देख सकते हैं। सो गाइस इसका जो ये जो ट्रैक पैंट है इसमें एक खासियत है कि अभी आजकल चल रहे हैं ना नीचे से लूज, उस टाइप में है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम चिपका चिपका नहीं है, वो लेगिंग वाला जो लुक आता है ना वो नहीं आता, जो कंफर्ट जोन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट इसका फैब्रिक है, मतलब आप इसको वियर करने के बाद आपको ऐसा लगता है आपने कुछ वियर किया ही ना हो, इस तरीके से इसका फैब्रिक है बहुत। सो गाइस इसका जो फैब्रिक है ये बिल्कुल भी नहीं फैलने वाला है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये वैसा वाला नहीं है कि वो जो खिंच जाता है उस टाइप से नहीं है, अच्छा फैब्रिक है। देन यहाँ पर हमको ये डोरी मिल जाती है इसको टाइप करने के लिए। तो गाइस इस वाले ट्रैक पैंट्स में हमको पॉकेट रिसीव नहीं होती है, बाकी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप जिम जाते हो तो आपके लिए परफेक्ट है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना एक बार, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये भी, मुझे सेम प्राइजेस हैं चारों के, 520 के अराउंड था, मतलब 1042 रुपीज़ में दो पीसीस मुझे मिले हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप एक का देख सकते हैं कितने का पड़ा होगा। सो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसमें नेवी ब्लू बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, सो मैं एक और शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो गाइस ये जो है ये ग्रीन कलर में मुझे रिसीव हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, जिम के अकॉर्डिंग अगर आपको लेना हो तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा है। सो ये कुछ इस तरीके का हमको रिसीव हो जाता है, और यहाँ पर एक लोगो सा बना हुआ है। यहाँ गाइस इन दोनों पजामास के मतलब इन दोनों ट्रैक पैंट्स के जो लेंथ है वो 5x7 के अराउंड जिनकी लेंथ है उनको आ जाएगा अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रीन कलर भी, और बहुत अच्छा इसका स्ट्रेच है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, नो डाउट मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, और ये इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, ट्राई ऑन में भी देख लेना आप, और आपको यहाँ पर साइड में मैं पिक्चर भी लगा दूंगी कि कैसा दिख रहा था। गाइस इन दोनों ट्रैक पैंट्स में मैंने जो अपना साइज़ लिया है वो डबल एक्सल लिया है, बट ये मुझे हल्का सा लूज है मतलब कमर पे, तो ठीक है इसमें एडजस्ट करने के लिए हमको जो ये डोरी प्रोवाइड कराई है इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत लूज होता भी है तो यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, और बाकी पूरी फिटिंग सही आई है मुझे, कमर पर ढीला है, सो आप इसको देख सकते हैं, मैंने डबल एक्सल साइज में लिया है, और नाइट सूट्स मैंने एक्सल साइज में लिए हैं। दैट्स ऑल, यही सारे नाइट सूट्स और ट्रैक पैंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये वाला वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मैं इसी तरीके के
के हॉल्स अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। और मुझे कमेंट्स भी आए थे कुछ कि आप ज़िवा में हॉल शेयर करिए, तो मैंने फाइनली आज ज़िवा में हॉल भी शेयर कर दिया है। सो गाइस, मैं ज़िवा में ऐप का लिंक अगर मुझे मिलेगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड गाइस, मैं काफ़ी सारे हॉल्स अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अगर आपको एथनिक वेयर में या वेस्टर्न वेयर में जो भी देखना हो, सारा कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।